फाइनली यार मैंने इसको ले ही लिया, वो भी SMP के फर्स्ट डे। आई थिंक सो कोई बंदा होगा कि इसको ले पाया होगा, वो भी SMP के फर्स्ट डे। SMP के फर्स्ट डे पे तुम लोग क्या करते हो? SMP स्टार्ट होते ही बेसिक ग्राइंडिंग एंड आयरन आर्मर, और जो ज्यादा ग्राइंडिंग करता होगा वो डायमंड का आर्मर बना लेता होगा। बट जिस SMP को आज मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, उस SMP में मैंने एक दिन में नेदरराइट आर्मर और 15 हर्ट्स कलेक्ट किए हैं, और उस SMP का नाम है वॉरियर SMP। ओके, सर्वर में तो मैं ज्वाइन हो चुका हूँ, बट कोई दिख नहीं रहा है सर्वर में। भाई ये क्या लोचा है, हैं? छोड़ो, जाने दो, मेरे को क्या है भाई, मेरे को तो आर्मर। वेट, वो क्या है? वेट अ सेकेंड। चलो दोस्तों देख के आते हैं भाई है क्या चीज़ ये। शॉप की जैसी दिख रही है बट लेट्स सी। ओ आर्मर तो व्हाट। जी हाँ, इस SMP में एक नोमिका प्लगइन डला हुआ था, और इस वजह से मेरे को मेरा अचीवमेंट करने में और ज्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि डायमंड के ब्लॉक से सी ऑफ हर्ट्स मिल रहे थे और सी ऑफ हर्ट्स से नेदराइट के आर्मर मिल रहे थे। तो या लेट्स गो फॉर माइनिंग। रिकॉर्डिंग डिलीट होने के बाद, तो दोस्तों मैं पिछले 1 घंटे से माइनिंग कर रहा था एंड मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया, मैंने रिकॉर्डिंग करने के बजाय मैंने रिप्ले में रिकॉर्ड किया एंड मेरा गेम अचानक से क्रैश हुआ, और गेम के साथ साथ रिप्ले भी खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एंड उस वजह से मेरे को ना के बराबर डायमंड मिल रहे थे, तो या मेरे को मजबूरन में एक्सरे लगाना पड़ रहा है। तो भाई देखो, एलन भाई को कोई नहीं बताएगा ठीक है कि मैं एक्सरे यूज़ कर रहा हूँ, वरना समझ रहे हो यार तुम लोग क्या हो सकता है मेरे साथ। एंड दोस्तों अब चलो माइनिंग करते हैं, एंड मैं आप सभी को ऊपर मिलता हूँ सीधा आर्मर के पास। तो या चलो ऊपर मिलता हूँ मैं। तो दोस्तों माइनिंग हो चुकी है कंप्लीट, एंड अभी टाइम आ चुका है हमारा आर्मर लेने का एंड अपना पहला अचीवमेंट कंप्लीट करने का। तो मैं यहाँ पे ब्लॉक बना लेता हूँ एंड आप लोग को आयरन खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी, आर्मर मिलने के बाद मिलता हूँ ठीक है। तो या दोस्तों अपना पहला अचीवमेंट तो कंप्लीट होने वाला है, तो लेट्स गो ठीक है। तो दोस्तों आर्मर इज डन, मेरे पास आर्मर आ चुका है ठीक है। फाइनली यार मैंने इसको ले ही लिया, वो भी SMP के फर्स्ट डे। आई थिंक सो कोई बंदा होगा कि इसको ले पाया होगा, वो भी SMP के फर्स्ट डे। यहाँ पर मेरा पहला अचीवमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन मैं ऐसे तो नेदरराइट आर्मर को लेके घूम नहीं सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपना छोटा सा बेस बना लिया जाए। एंड मैंने अपना बेस बनाया भी, लेकिन मेरा पहला बेस जो है वो रेड हो गया। लेकिन कोई बात नहीं यार, SMP है तो रेडिंग तो चलती रहती है, इसलिए मैंने सेकेंड बेस बनाया एंड उसको आप लोग देखो एंड रेटिंग भी देना ठीक है। इस बेस में ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे लायक ठीक है, तो मेरे हिसाब से रेटिंग देना। हाँ दोस्तों ये रहा मेरा सीक्रेट बेस। यहाँ पे आओगे तो एक बड़ा सा हॉल मिलेगा, इधर को चेस्ट रूम मिलेगा एंड इधर को फर्नेस एरिया जहाँ पर आप लोग अपना खाना वगैरह पका सकते हो। एंड अब यहाँ से आगे बढ़ोगे तो इधर को आपको प्यारा सा एक एंटेनमेंट एरिया मिलेगा, ये अभी प्रॉपरली फुल नहीं है लेकिन हाँ मैं कर दूंगा। एंड इसके पीछे आओगे तो एक फूड फार्म मिलेगा ठीक है, एंड जिसमें फीड वगैरह नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं आगे जाके मैं लगा दूंगा। तो दोस्तों यही था मेरा सीक्रेट बेस, एंड हाँ इस सीक्रेट बेस में ट्रेडिंग हॉल नहीं है जो कि मैं आगे चल के बना दूंगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं है। तो या रेटिंग दो एंड यही था मेरा सीक्रेट बेस। तो यही था मेरा बेस, एंड अब बढ़ते अपने सेकेंड अचीवमेंट जो कि है हार्ट्स लेना। एंड इसके लिए मैंने बहुत बड़ी प्लानिंग करके रखी है, तो प्लान सुनो पहले ठीक है। तो अजय मेरा एक दोस्त था एंड मैंने SMP में आने से पहले उसके साथ टीम अप करने की सोची, लेकिन वो पहले से ही नूपुरू के टीम है, बट वो मेरा दोस्त है तो भाई उसको मैं अपने टीम में ले रहा हूँ। एंड वो नूपुरू के टीम में है, तो इजीली नूपुरू को कहीं भी और कैसे भी ला सकता है। तो या मैं अजय का हेल्प लेने वाला हूँ। बेसिकली मैं बोलने वाला हूँ अजय को कि नूपुरू को बिट्रे कर दे, एंड देखते हैं अजय करता है या नहीं। मेरे को तो ठीक है यार, देखते क्या करता है। एंड हाँ दोस्तों जो हमारी डिस्कॉर्ड पे बात हुई है पहले तुम लोग वो सुन लो ठीक है। हेलो अजय भाई, सुन तुम नूपुरू के टीम में हो ना अभी?
हाँ मतलब अभी तो हूँ ना। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि उसको बीट्रे कर दो। कर दे ना भाई प्लीज, मेरे को 5 हार्ट चाहिए बेसिकली मेरे वीडियो के लिए। अच्छा तो एक काम करते हो, उसके टीम में मतलब उसको बीट्रे कर दे मत, मगर मैं बोल मत कि मैंने तेरे को बीट्रे कर दिया, एंड उसको उसका कैसे भी रिस्पॉन्ड पता करके या फिर इसको कहीं पे भी फुला के उसका रिस्पॉन्ड ट्रैप करके एंड उसको स्पॉन पे ले आके मार देते हैं, एंड 5 हार्ट ले लेते हैं मार मार के, और उसके बाद उसको छोड़ देंगे। जाएगा। क्या मैं उसका पुराना दोस्त हूँ ना। अरे तो कोई बात नहीं, बस तू ट्रैप करियो, मैं मार दूंगा, तू दोस्त है तो कर देगा ना। मजबूरी तो। तो दोस्तों अजय से तो मेरी बात हो गई है, एंड अब चलते हैं भाई नूप्रो गेमिंग को ECMP से हमेशा के लिए बैन करने। क्या तुमको क्या लगा कि मैं करूँगा, क्या करूँगा, पीपी करूँगा, नूप्रो भाई को मारूंगा? नहीं यार, देखो मैं हूँ पीसफुल बंदा, मैं ना किसी को मारता हूँ ना किसी से झगड़ा करता। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ठीक है तो अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई जब तू किसी से झगड़ा ही नहीं करेगा तो तेरे पास हार्ट्स कैसे आएंगे। तो देखो होगा ऐसा कि हुआ ऐसा कि मतलब तुमको अगर याद हो कि मैंने वीडियो के एंड में मतलब वीडियो की शुरुआत में सॉरी क्या बोला था कि सी ऑफ द हार्ट्स एंड नेदरराइट आर्मर मिल रहे थे, वो एक्चुअल में सी ऑफ द हार्ट्स थे ही नहीं, वो रियल का हार्ट्स था भाई, वो रियल का हार्ट था। और ये मेरे को बात जब मैंने अजय भाई से बात करी तो तब मेरे को पता चली। ठीक है तो अभी मैं फॉर्चून की मतलब पिकेक्स बनाने वाला हूँ, मेरे पास फॉर्चून का विलेजर है, तो या लेट्स गो फॉर्चून की पिकेक्स बनाते हैं, फटाफट से माइनिंग पे चलते हैं, लेट्स गो। दोस्तों फॉर्चून 2 की पिकेक्स बन चुकी है। एक सेकंड, ये थोड़ा सा हेलमेट मेरे स्टैटिक्स को ख़राब कर रहा है। स्मार्ट हूँ यार मैं, अब देखो ना क्या लगता हूँ यार। बाय द वे चलो यार फटाफट से अपने ऊपर वाले केव में चलते हैं एंड माइनिंग को स्टार्ट करते हैं, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोग को माइन एरिया में। थोड़ा सा यहाँ से फूड वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं, पता चले काम वाम आ जाए, इसको कुक कर लेता हूँ मैं फटाफट से, एंड लेट्स गो फटाफट से चलते हैं माइन एरिया में, लेट्स गो। ओके सब कुछ मैंने ले लिया है, फूड वगैरह सब कुछ रेडी है, एंड अभी मैं चलता हूँ उस केव में। केव तो नहीं बोलेंगे, रवीन है भाई, बड़ा सा रवीन है, ये विलेज के मतलब बगल में ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा खाना वगैरह ले लेते हैं, एंड मेरे को पानी का ज़रूरत है तो भाई पानी ले लेते हैं। MLG तो प्रो MLG नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी पानी तो चाहिए ना। ओके यही है वो रवीन, एंड अभी यहाँ से MLG करते हैं। किसी ने कुछ नहीं देखा, ठीक है कोई किसी को नहीं बताएगा। एंड अभी यहाँ से नीचे कैसे, अच्छा नीचे पानी है, कोई टेंशन नहीं है। बड़ा सा रवीन है भाई, यहाँ पे डायमंड्स मिलेंगे, ठीक है। एंड नीचे चलते हैं, नीचे मेरे को जॉम्बी वगैरह दिख रहे तो भाई संभाल के, वैसे टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो या माइनिंग करते हैं, फटाफट से डायमंड कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैंने जस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ही किया था कि मैं नीचे चलता हूँ, डिगडाउन करता हूँ, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, तो भाई मेरे को डिगडाउन करते ही के साथ ही भाई डायमंड मिल गए यार, मतलब ओके ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। एंड अब फटाफट से स्ट्रिप माइनिंग स्टार्ट करते हैं एंड माइनिंग करते हैं फटाफट से, भाई 9 डायमंड मिल गए, कम नहीं है एक बार में। 1 hour later. तो दोस्तों बहुत देर से मैं माइनिंग कर रहा हूँ, मतलब बहुत देर से यार, 1 घंटे से, एंड वही 2 रवीन मेरे को मिले एंड डायमंड नहीं मिल रहे यार बिना एक्सरे। तो या मैं एक्सरे यूज़ करने वाला हूँ, सॉरी दोस्तों, आज की वीडियो में भाई माइनिंग ही माइनिंग दिख रही है, तो फटाफट से एक्सरे लगाते हैं। दोस्तों एक्सरे लग गया है, एंड अब आप सभी को पूरा डायमंड कलेक्ट करने के बाद ही मिलता हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों तो मैं माइनिंग करके आ चुका हूँ, अब फटाफट से डायमंड का डायमंड ब्लॉक्स बनाते हैं, एंड मैंने 2.5 stack लेके आया, आप लोग देख सकते हो, एंड फटाफट से आप डायमंड ब्लॉक्स बनाते हैं, एंड चलते हैं स्पॉन पे, लेट्स गो। लेट्स गो दोस्तों, फाइनली यार भाई बहुत भाई यार ऊपर भाई एक्साइटमेंट में कुछ भी होता है। तो बाय द वे भाई बहुत चला मैं, एंड सामने देख सकते हो भाई हमारा स्पॉन पॉइंट, ओ भाई। एंड अब फटाफट से ब्लॉक ऑफ डायमंड से हर्ट्स लेते हैं, एंड कुछ आर्मर वगैरह थोड़ा सा लेना है मेरे को, तो यार आप लोग इंजॉय करो, मैं हर्ट्स लेता हूँ, ठीक है।
तो या दोस्तों, मैं फाइनली 4 हर्ट्स लेके आ चुका हूँ एंड मैंने कुछ आर्मर वगैरह आर्मर लिया नहीं क्योंकि मेरे पास आर्मर था। एंड अब फटाफट से क्लेम करते हैं, मैंने पहला जो है अचीवमेंट जो है कंप्लीट कर लिया है बिना किसी के किसी को मारे। हाँ वो बात अलग है कि मैंने पहले नूपुर भाई को मारा था क्योंकि मेरे को नहीं पता था, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पता था। एंड या मैंने पीसफुली अपना अचीवमेंट जो है वो कंप्लीट किया। तो या अब आई थिंक सो मैं वीडियो एंड कर सकता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर एंड पीस आउट दोस्तों।